इसराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी है। इसे लेकर अब ईरान ने इसराइल को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ने गाजा पर जारी हमले बंद नहीं किए तो अन्य मोर्चे पर युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल फिलिस्तीन के संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर भीषण हमला कर दिया था। हमास ने पहले इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे, फिर उसके लड़ाकों ने इसराइली इलाकों में घुसकर कत्लेआम मचाया। इन हमलों में अब तक इसराइल में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर इसराइल भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। इसराइल ने गाजा पट्टी की बिजली, पानी, ईंधन और खाने की सप्लाई रोक दी है। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक से 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदोल्लाहियन गुरुवार देर शाम बेरूत पहुंचे थे। यहां उनका स्वागत लेबनानी अधिकारियों के साथ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गाजा पर जारी आक्रामकता, युद्ध अपराधों और घेराबंदी की वजह से अन्य मोर्चे खुलने की संभावना है। अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि अगर गाजा पर इसराइल की बमबारी जारी रही तो युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। इससे पहले अमीर अब्दुल्लाहियन इराक दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ बैठक की। इसके बाद भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। दरअसल इसराइल पर हमास के हमले में ईरान की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ईरान ने ही हमास को फंड दिया और हथियार उपलब्ध कराए। हालांकि हमास के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि हमले की योजना बनाने में ईरान सीधे तौर पर शामिल था या उसने इसे हरी झंडी दी थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।